कोरोना वायरस की वजह से हम हमारे घर में लॉकडाउन हो चुके हैं, ना ही हम बाहर जा सकते हैं और ना ही रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में घर पे ही रहने वाले सामान से बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम दाल में से बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होता है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। दाल का नाश्ता बनाने के लिए पहले हम एक मिश्रण की तैयारी कर लेते हैं। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप भिगे हुए चने की दाल ले रही हूँ। चने की दाल को मैंने 3 घंटा भिगो दिया था और वो बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। उसे मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। 2 मिर्च, मिर्च का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 15 से 20 कड़ी पत्ते, कड़ी पत्तों का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस। अब मैं सारी सामग्री को पीस लेती हूँ। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, हमें इस प्रकार से थोड़ा दरदरा होता है वैसा मिश्रण पीसना है। इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। मैंने जब इसे ग्राइंड किया था तो मैंने बिल्कुल भी पानी का उपयोग नहीं किया था। अगर आपको लगे तो आप 1 चम्मच पानी का उपयोग करके भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है। मैंने आलू लिए हैं, उसे मैं कद्दूकस करके इसमें डाल देती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ग्रेट करके ये आलू करीबन 1 कप होंगे। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 कप धनिया। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर से डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। 1/2 टेबलस्पून सूजी। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, कर्फ्यू की वजह से सारे घर वाले घर पे होते हैं और सबको बहुत भूख लगती है, तो आप इस प्रकार का स्नैक सवेरे ब्रेकफास्ट में, शाम को चाय के साथ में या तो डिनर में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे बनाने की सामग्री हमारे घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये सबको पसंद आता है। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें से छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। आपको जो साइज़ का नाश्ता पसंद है वो साइज़ का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैं अभी मिश्रण में से थोड़ा ही नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने एक दूसरी प्लेट के अंदर सूजी ले ली है और हमने जो नाश्ता तैयार किया है उसे मैं सूजी के अंदर रोल कर लेती हूँ। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छे से रोल हो चुका है। अब मैं ऊपर हल्के से अंगूठे से दबा देती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप वही प्रकार से इसे तैयार कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की इम्प्रेशन ना करनी हो तो आप इसे सूजी के अंदर डायरेक्ट रोल करके भी तल सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। हमारा सारा नाश्ता तैयार हो चुका है, अब मैं इसे तल लेती हूँ। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अभी हमने जो नाश्ता तैयार किया है उसे मैं तल लेती हूँ। जब ये एक साइड से अच्छे से तल जाए तभी हम इसको पलटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नाश्ता है, इसलिए हम इसे बहुत ही संभाल के हैंडल करेंगे। एक साइड से ये अच्छे से तल चुका है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी तल लेती हूँ। मैं इसे 2 से 3 बार ऐसे अलटते पलटते तलूंगी, जिससे नाश्ता सब जगह से अच्छे से क्रिस्पी और करारा तैयार होगा और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी अपने घर वालों को ऐसे ही गर्मा गर्म बना के रेसिपी सर्व कीजिए और सबको खुश कर दीजिए। कोरोना वायरस की वजह से भले ही आज हम लॉकडाउन हो चुके हैं, पर आज हम पूरा फैमिली एक साथ में बैठ के साथ में खाना खा सकते हैं और हम लोग क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारे और अंदर से सॉफ्ट हैं। आप इसे खाएंगे तो इसको खाते ही रह जाएंगे। ये इस प्रकार से तैयार होते हैं।
हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखते ही मुँह में पानी आ गया ना। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं बिल्कुल इसी प्रकार से बाकी के सारे जो नाश्ता है उसे तल लेती हूँ। हमारा सारा नाश्ता तल के तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने जो ऊपर से सूजी लगाई है ना, इसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारा है और अंदर से एक दाल की वजह से बहुत ही सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए इजी स्नैक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।